आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, Rh नेगेटिव इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये किस में पाया जाता है? ये उन प्रेग्नेंट लेडीज में पाया जाता है जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और जो अंदर बच्चा पल रहा है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो उसमें देखी जाती है Rh नेगेटिव इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब ये Rh है क्या? Rh होता है जो कि ब्लड सेल्स के ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं रीसेस प्रोटीन। जिनमें रीसेस प्रोटीन पाया जाता है वो होते हैं Rh पॉजिटिव और जिनमें नहीं होता है वो Rh नेगेटिव। आपने ब्लड ग्रुप सुने होंगे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये डिपेंड करता है Rh प्रोटीन के ऊपर। अब मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं और आपका जो बेबी है अंदर वो Rh पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, क्योंकि आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आपको बेबी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला हो सकता है। अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो आपकी जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम उस बच्चे को ट्रीट करेगा एज अ फॉरेन बॉडी और उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाएगा। जब ये एंटीबॉडीज बन जाएंगे ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके वापस बच्चे के अंदर जाएंगे और उसकी जो ब्लड सेल्स होती हैं उन्हें तोड़ेंगी। इसको कहते हैं अपन हीमोलिसिस। इस हीमोलिसिस की वजह से बेबी में जॉइंडिस पाया जाता है। ये माइल्ड से लेके डेंजरसली हाई तक हो सकता है, क्योंकि या तो छोटा सा आपके जॉइंडिस होगा, पीलिया होगा, या फिर ये बढ़ बढ़ के अगर ज्यादा ब्लड सेल्स टूटती हैं तो बच्चा स्टिल बर्थ भी हो सकता है, यानी बच्चा अंदर अपनी जान भी दे सकता है। अब बात आती है, क्या पहले बच्चे में ऐसी दिक्कत हो सकती है अगर मदर Rh नेगेटिव है तो? जी नहीं, Rh नेगेटिव मदर में अगर पहला बच्चा पैदा हुआ है उस टाइम मदर सेंसिटाइज नहीं हुई है। किन कंडीशंस में मदर सेंसिटाइज होती है? पहले बच्चे के दौरान, कि अगर आपको पहले कोई मिसकैरेज हुआ है या कोई एबॉर्शन हुआ है, कोई भी आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई है तो उसमें प्लेसेंटा का बैरियर क्रॉस करके मदर और फीटस का ब्लड मिक्स हो सकता है तो एंटीबॉडीज बन सकती हैं। लेकिन अगर पहले बच्चे में कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई मिसकैरेज एबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है, आप एकदम सिंपल पहली प्राइमरी ग्रेविडा हैं, तो आपको नेक्स्ट बच्चे में ये दिक्कत हो सकती है अगर आपको इंजेक्शन एंटीडी नहीं लगा है। अब बात आती है एंटीडी होता क्या है। ये एंटीडी इंजेक्शन एक इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि आपके अंदर रीसेस पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनने देगा। ये एंटीडी आपको लगना ज़रूरी होता है 72 घंटे के अंदर अंदर, या आपको डिलीवरी हुई है या आपको मिसकैरेज हुआ है, दोनों कंडीशंस में आपको ये एंटीडी लगना ज़रूरी है। अगर आपको एंटीडी लगा नहीं है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा कि आपके जो पॉजिटिव बेबी है आपके अंदर एंटीबॉडीज पहले से हैं, क्योंकि पिछली प्रेगनेंसी में आप उस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से सेंसिटाइज हो चुके हैं और आपके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो अब ये फीटस जो है इसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है हाइड्रोप्स फिटेलिस हो, मतलब कि बच्चे के सिर में पानी भरना, मदर के पेट में पानी भरना, ये सारी कंडीशंस इसमें देखी जा सकती हैं। और जॉइंडिस जो कि मैंने पहले बताया वो तो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका इकलौता ट्रीटमेंट होता है इसका प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस मतलब आप इसको होने ही ना दें, आप टाइम से अपना एंटीडी लगवाएं। अगर आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, डिलीवरी के बाद में बेबी का ब्लड ग्रुप देखा जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो आपको एंटीडी का इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्राइमरी ग्रेविडा हैं और पीछे आपके मिसकैरेज एबॉर्शन की हिस्ट्री है तो आपको 28 वीक्स पे, मतलब कि 7वें महीने में ये डोज लगनी ज़रूरी होती है एंटीडी का इंजेक्शन। अब बात आती है कि ये 7वें महीने पे ही क्यों लगता है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर ही ऐसा टाइम होता है जिसमें प्लेसेंटल बैरियर के बीच में ट्रांसप्लेसेंटल हेमरेजेस जो छोटे मोटे होते हैं वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अराउंड ही होते हैं, जिसमें मदर की बॉडी सेंसिटाइज हो सकती है, तो उसी दौरान ये इंजेक्शन आपको लगना ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन दी है इसको ध्यान में रखिए। अगर आप Rh नेगेटिव मदर हैं तो आप इन चीज़ों के लिए सतर्क रहिए। एंटीडी का इंजेक्शन एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन होता है आपके नेक्स्ट बेबी के लिए। थैंक यू।